तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे सब YouTube चैनल पे। सो आज की अनबॉक्सिंग एक कुछ खाने की चीज़ नहीं, आज की अनबॉक्सिंग में एक टेक्निकल चीज़ है, ठीक है। तो लाइक ये कंप्यूटर की रैम है, तो उसके बारे में अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये मुझे पड़ी है 510 की DDR2, जो कि आपके लैपटॉप डेस्कटॉप्स के लिए जो यूज़ होती है वो आपकी DDR2 होती है। तो इसी का मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, देखूँगा ये कैसे चलती है। और जो कंपनी क्लेम करती है, एक्चुअली मैं 2 GB मंगाई है मैंने, क्योंकि सिस्टम मेरा कुछ ज़्यादा स्लो हो गया था, तो उसके लिए ये मेरे को मंगानी पड़ी। तो देखते हैं इसकी। तो ये रैम जो होती है, मैंने अक्सर देखा, मैं लास्ट टाइम भी मंगाई थी मैंने, तो ये अक्सर जो होती है रैम आपकी बबल शीट में आती है फॉर द सेफ्टी, बिकॉज काफ़ी डेडिकेटेड पार्ट होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इसलिए बबल शीट्स में भेजते हैं। तो ये गुड़गांव से आई है, ठीक है। बस इसमें यही है, आपका बिल हो गया, बिल भी उन्होंने आई थिंक 2 कॉपी डाल रखी है। और ये हो गई आपकी रैम। तो ये कंपनी का नाम है सिंट्रोनियम, तो ये सिंट्रोनिक्स जो है कंपनी का नाम है ये। तो अगर इसकी पैकिंग देखें तो लगभग सितंबर 2020 की पैकिंग है, यानी 2 साल पहले की। कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़राब नहीं होती, 3 साल की वारंटी है आफ्टर, इसको यूज़ करोगे तो 3 साल की वारंटी के बाद, ठीक है। तो उसको डालते हैं, तो ये इसका साइज़ है जो हम डालेंगे अभी। जैसे आप इसको खोल लेते हैं, अभी मैंने सिस्टम लाइक शट डाउन करके रखा अपना, इसको खोलने का तरीका, इसको मार्किंग होती है, मार्किंग पे आप हल्का सा दबाओगे तो ये गिर जाएगी अपने आप, मतलब निकल जाएगी बाहर। ये रैम है, और काफ़ी जो अगर मैं दूसरी वाली की बात करूँ तो काफ़ी ये हैवी वेट है एज़ कम्पेयर टू जो मेरी पुरानी रैम है। तो पुरानी रैम के लिए लाइक ये मेरा सिस्टम है, इसमें आपको बताता हूँ। ये जो स्लॉट्स है, आपको अगर नहीं पता लग रहा तो आप बाहर से अपने सिस्टम के यहाँ पे लाइक ये इसका साइड बॉक्स है, तो ये इसमें ऐसे करके लगा था, ठीक है। तो ऐसे करके लगा था, बाहर से इस पर लाइट मारोगे तो अंदर आपको लग जाएगा पता कहाँ पे आपकी रैम है। तो अगर मैं जाता हूँ, ये आपका जो स्लॉट है यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डुअल DDR2 800। तो दोनों रैम के स्लॉट है, एक ही रैम ये ऑलरेडी ये लगी हुई है, ठीक है, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको इसमें। तो ये आपकी एक ऑलरेडी लगी हुई है ये रैम, अगर हम इसको निकालते हैं तो उसके लिए ये बटन। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है सिस्टम की मेरे 4 GB रैम है सपोर्ट कर सकता है ये, तो इसको दोनों बटन को पुश करोगे तो आपकी ये रैम बाहर आ जाएगी। देखिए ये रैम हो गई मेरी, और ये होगी आपकी नई वाली रैम। तो दोस्तों देख सकते हो ना ये आप कि दोनों में कितना फ़र्क है, ठीक है। तो मैं वैसे दिखाता हूँ आपको ये दोनों में कितना फ़र्क है। तो इसमें आगे पीछे दोनों तरफ जो आपके चिप्स लगी हैं, यहाँ पे भी चिप्स और यहाँ पे भी, और ये पुरानी वाली थी इसमें नॉर्मल आपकी एक जगह चिप्स लगी थी सारी सीरीज़ में। तो क्योंकि 2 GB है इसलिए 1 GB में इस तरफ यहाँ पे, 2 GB में एक लाइन यहाँ पे 1 GB की और दूसरी लाइन पीछे। तो डालते हैं इसको, ठीक है। दोनों का साइज़ भी सेम है, आप देखोगे ये मैं जॉइंट करके रखा। तो ये लगेगी आपकी अंदर की तरफ को, ठीक है। तो दूसरे वाला ये हुक है, इसको खोल लेते हैं। ये खुल गया लॉक इसका, और ये ऊपर वाला। तो लाइट अगर आपका डायरेक्ट है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो इसको बंद कर ले अपने सिस्टम को, ठीक है। लाइक ये मेरा मेन पावर है, इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो ये हम एक लगा देते हैं ऐसे, आपको बस कुछ नहीं करना, हल्का सा जब आप इसको रखोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक से जो बटन अपने आप पुश हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे ये, इसको थोड़ा सा दबाओगे, ठीक है, तो अपने आप लॉक जो है लग जाएंगे। अब मैं नीचे वाला दबाऊंगा, देखना, ठीक है। तो मैं नीचे वाला दबाया तो अपने आप लॉक लग गया। अब इसी तरह मैं ये दूसरी वाली रैम को बताता हूँ मैं आपको, इसको भी आपको यहाँ रखना है नीचे वाले एज पे और एक ऊपर वाले एज पे, ठीक है। तो इसको आप ज़ोर से दबाओगे, इसको भी तो यहाँ से नीचे से ये एक लॉक लग गया और
तो प्रोसेसर मेरा काफ़ी गर्म हुआ क्योंकि काफ़ी देर से उसको चला रहा हूँ। तो गाइस जी मैंने दोनों रैम लगा दिया, देखोगे ऊपर भी लॉक लग गया दोनों पे और नीचे भी, अब लॉक चेक कर सकते हो, लॉक लग गया। अब इसको सिस्टम को शुरू करने से पहले मुझे पता कि ठीक लगी गई है ये, तो मैं इसका कवर लगा देता हूँ इन केस कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। ठीक है, तो उसकी तो गाइस जी मैंने ऑन कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑन हो जाए, तो आप देखोगे पावर थोड़ी सी कम हुई, मतलब कहीं ना कहीं ये अब चल पड़ेगा। तो तब तक मैं सारी पैकिंग जो है, बिल जो है इसके आपको संभाल के रखने, नहीं तो आप जो है बिल इसके अमेजोन से भी आप क्लेम कर सकते हो वारंटी जो है इसकी, तो बिल्स को मैं वापस इसी में डाल देता हूँ। देखो अगर आपकी रैम सही नहीं लगी होगी तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा पहली बात। अगर आपका सिस्टम ऑन हो गया मतलब कहीं ना कहीं रैम आपकी सही लग गई है, तो 1 GB में जो आपका मेरा 2 सॉफ्टवेयर नहीं चल पाते थे लाइक अडोब, और अगर मैं अडोब और PDF खोल अडोब सॉरी वर्ड खोल दूँ तो वो चलते नहीं थे। तो करते हैं, काफ़ी जल्दी खुल गया लास्ट टाइम के मुकाबले, तो उसमें पासवर्ड लगाते हैं हम। तो रिफ्रेश का ऑप्शन भी काफ़ी जल्दी आ गया। ठीक है, अगर रैम चेक करने की बारी आएगी तो हम रैम चेक करने के लिए कंप्यूटर में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो अब यहाँ पे देखोगे आप 3 GB रैम शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपने यहाँ पे 3 GB रैम 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो है मेरी 4 GB है, उसमें से अब 3 GB रैम जो है इसमें आ गई है। तो गाइस ये था पूरा ट्रायल, कैसे इसको लगाते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।